हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के बदलाव लागू हो जाते हैं। इन बदलावों का मकसद देश में लगातार हो रही विकास की प्रक्रिया को और मजबूत करना है। ऐसे ही कई बदलाव 1 जून से भी लागू हो रहे हैं। इनका आम लोगों की जेब और जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। आइए एक एक करके जानते हैं इन 4 बड़े बदलावों को। गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हुआ। वाहनों के लिए 1 जून से थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो गया है। थर्ड पार्टी बीमा के लिए दो पहिया वाहनों के मामले में 150 cc से 350 cc तक के वाहनों के लिए 1,366 रुपए, जबकि 350 cc से ज्यादा के वाहनों के लिए 2,804 रुपए प्रीमियम देना होगा। 1,000 cc क्षमता के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 2,072 से बढ़ाकर 2,094 रुपए। 1,000 से 1,500 cc क्षमता की कारों के लिए 3,221 रुपए से बढ़ाकर 3,416 रुपए और 1,500 cc क्षमता से ज्यादा के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की रकम 7,897 रुपए से घटाकर 7,890 रुपए की गई है। SBI का होम लोन महंगा। SBI ने होम लोन की एक्सटर्नल बैंक मार्क लैंडिंग रेट यानी EBLR को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है और ये अब 7.05% हो गया है। वहीं RLLR 6.65% प्लस क्रेडिट जोखिम प्रीमियम हो गया है। इसका असर 1 जून से होम लोन की ब्याज दरों में इजाफे के रूप में होगा। गोल्ड हॉलमार्किंग। सोने की हॉलमार्किंग का दूसरा फेज शुरू हो गया है। दूसरे फेज में 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नए जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। इन जिलों में हॉलमार्किंग के बाद 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के गहने ही बेचे जा सकेंगे। इसके साथ ही अब 21 और 19 कैरेट के गहने भी हॉलमार्किंग के साथ बेचे जा सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लेन देन पर फीस। जून से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से लेन देन करना महंगा हो जाएगा। 15 जून से IPPB ने नगद लेन देन फीस लेने का फैसला लिया है। नए नियमों के तहत हर महीने की पहली 3 नकद निकासी, नकद जमा और मिनी स्टेटमेंट पर चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद हर एक नकद निकासी या नकद जमा पर 20 रुपए और GST लगेगी। वही मिनी स्टेटमेंट पर 5 रुपए प्लस GST लगेगी। इसके अलावा भी 1-2 बदलाव 1 जून से और देखने को मिल रहे हैं, जिनमें एक्सिस बैंक में सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी शामिल है। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।